हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है पीपल शेयर देयर क्रेजी दिल्ली मेट्रो स्टोरीज। आगे हंसने वाले इमोजी, मतलब लोगों की कोई फनी स्टोरीज हैं जो कि अपनी शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज जो कि दिल्ली मेट्रो के अंदर उनको पेश आई हैं। खैर, आप लोगों के साथ अगर इस तरह कोई भी सीन हुआ तो वो आप लोग भी शेयर करना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सजेस्टेड वीडियो है, जिस भाई ने भी सजेस्ट किया, थैंक यू। और अगर आप लोगों ने भी इसी तरीके से कोई वीडियो सजेस्ट करनी होती है तो लाजम कॉमेंट के अंदर, नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फनी स्टोरी। हाँ रे, क्या बोल रहा है? अच्छा, और क्या करोगे? आस की हो रही है, एक दूसरे चिपका चिपकी हो रही है। मेरे बगल बैठे थे, 40-45 एज के होंगे उनका, वो उसमें पॉन्ड शेयर कर रहे थे अपने ग्रुप में। राजा जी, आपको दिख नहीं रहा ये लेडीज कंपार्टमेंट है? दिल्ली मेट्रो से आजकल बड़ी वीडियोस आती हैं, फोटोज आती हैं कि कहीं कोई कुछ भी पहन के चला जा रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं रोमांस हो रहा है, कोई उजुल कपड़े पहन रहा है, कोई वहाँ पे टिकटॉक बना रहा है। मतलब इट्स अ प्योर एंटरटेनमेंट पैकेज। हैव यू एवर सीन कुछ ऐसा इंस्टेंस, कोई एक ऐसा किस्सा अपना मेट्रो का कि ये देख लिया बैच, ये क्या देख लिया मैंने, और समथिंग विच इज लाइक मेमोरी। एक मेट्रो में आस्की होती है और यहाँ कॉलेज के नाम पे ओयो जाते हैं बच्चे। इतने कपल्स होते हैं हर स्टेशन पे, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। नहीं कुछ भी नहीं पड़े। ये शरीफ बच्चा, प्यारी समझ गई। घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और बोलते हैं मम्मी पापा को कि हम तो ये वो मेट्रो में थोड़ी जा रहे हैं, मेट्रो में से तो वो पहुंचते हैं। प्रकार की घटना हमने नहीं देखी, किसी ने अश्लील घटना की हो। आस की हो रही है, एक दूसरे चिपका चिपकी हो रही है, लोग सब तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वो ऐसी वैसी हरकतें नहीं करते हैं। बुजुर्ग को सीट नहीं मिल रही, बाकी दकापेल भीड़ में मजे ले रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सपोर्ट के लिए कपल्स एक दूसरे को हग कर लेते हैं, फिर वो मोमेंट बन जाता है। ओए होए होए, फिर तो क्या, उनकी भी गलती नहीं है ना? हम तीन सही है साथ में, नहीं और इनोब्रिलिटी। सॉरी। एक अंकल थे मेरे बगल में बैठे थे, 40-45 एज के होंगे उनका, ठीक है। उनका एक बेस्ट फ्रेंड करके ग्रुप बना था, मतलब वो उसमें पॉन्ड शेयर कर रहे थे अपने ग्रुप में, मेरे बगल में बैठे थे वो कौन से अंकल, क्या कहते हैं उनको, ठरकी। देखो, मेट्रो के बीच में बैठ के भैया ये काम कर रहे हैं। मतलब मैं था मेट्रो वाली लाइन पे, था एयरपोर्ट वाली पे, उस पे था, बट इतना सही नहीं था जो जितना रिसेंटली था क्या। लेकिन मतलब वहाँ भी कपड़े उसी तरीके से थे, बस कह सकते हो आपकी बिकनी से थोड़ा ज्यादा था, बिकनी से थोड़ा ज्यादा, और बिकनी से कम भी नहीं था। ऐसे कपड़े पहन के कौन ट्रेवल करता है? कॉल पे बात कर रही है। अच्छा, और क्या करोगे? आज तो मेरी ये पहना है, रोज ले। अब वो मेट्रो में चिल्ला के बोल रही है। गरम कांड तो बहुत होते हैं, किसी को झूठ बोलना, किसी को लूटना, किसी को छीनना मारना, ये सब चलते रहते। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। वो देखा था, एक लड़की और लड़का थोड़ा ज्यादा इंटेंशनली कुछ केस विस कर रहे थे। ओके, मेट्रो में अंदर, मेट्रो के अंदर, तो इट वॉज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बुजुर्गों के बच्चे भी होते हैं, वो बुजुर्गों के जज्बात जाग सकते हैं, भाई के जज्बात जाग गए थे इनको, इसलिए दर्द हो रहा है। बट यार देखो, पब्लिक प्लेस पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये क्रिंज है, फनी भी कह सकते हो, क्रिंज भी है, बट ये कि होना नहीं चाहिए। कि उनको क्या इंप्रेशन पड़ेगा क्या नहीं। तो मैं वही बीच कंपार्टमेंट से जा रही थी, दो कपल किस कर रहे थे, मैं भी बीच में से चली गई क्या? आगे जा रहे, साइड में उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी ना, बीच में से निकल। अरे भाई, बोलते ना किन्नर, बोलते किन्नर, तो आके फुल मेट्रो आके फुल चिल्लाने लगी एकदम, ऐसे वैसे बात करे, तो पता नहीं वो बोल रही थी मिथुन चक्रवर्ती से, मतलब मिलने जा रही हूँ ये करने, तब बहुत ऊपर पर बहुत कुछ बोल रही थी एट अ टाइम। अच्छा, हाँ, पूरा मतलब पूरा मेट्रो हिला देता, जलवा है हमारा कुछ, मतलब तुम दोनों की प्राइवेसी वो इन्वेड कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो, मेट्रो में तुम चिल्ला के बात कर रहे हो, पूरी दुनिया ने सुन लिया क्या बात कर रहे हो, और मेट्रो में दूसरों की तो करी कर रहे हो, वो कोई बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, उसके पीछे से आवाज आ रही है, तुम कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, तो मेट्रो में तो अपने धुन में ही रहो, वही ठीक है। बेसिकली सेड होल्ड ऑन, गिव मी अ मोमेंट, ऑटो निकलने दो, कंटिन्यू, ओके, यू ट्रीटेड कपल्स एज गेट्स, इसने खराब किया उनको, बंद हो जाओ। सो देखो, कनॉट प्लेस में ना सबसे अच्छी बात है दिल्ली की, तुम्हें बतेरे तरह के लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर ना तुमको लोगों से ज्यादा वो लोग मिलेंगे जो लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। Here is me taking a vox pop of someone who's doing a vox pop. दो लड़कियां अपने आप में बात कर रही हैं, एक ने बोला कि यार मेरा बंदा ना यहाँ लेके गया, वहाँ लेके गया, तो दूसरे वाले को पता नहीं क्या महसूस हुआ, उसने कहा ऐसा नहीं है, मेरा बंदा भी लेके जाता है, कह रहे नहीं, मेरा बंदा तेरे से बेटर है। उनकी लड़ाई चालू हो गई बंदे पे। ओ
अच्छा ये इस तरह का सीन मैंने, हम लोग एक बार कैफे में बैठे हुए थे इधर ही शाहबाद में कैफे है, तो हम लोग आगे वाले टेबल पे बैठे हुए बातें कर रहे, तो हमारे पीछे दो लड़कियां आपस में बैठी हुई सेम इसी तरह की लड़ाई हो रही, तेरे वाला बंदा ठीक नहीं है, दूसरी कहती है नहीं तुम उसको छोड़ दो, दूसरी कहती है तुम उसको छोड़ दो, तेरे किसी काम का नहीं है, मतलब ये वाली लड़ाई चल रही थी सेम वुमेन सच में कि भाई तेरी बंदी बेटर है तो भाई उसके दोस्त ढूंढ ले हमारी बटवा ले वुमेन्स कंपार्टमेंट का तो एवरीडे डोज है कि कोई ना कोई लड़ ही रहा होता है ऐसे अब ये बहुत जिंदा वीडियो यार मेट्रो के अंदर लड़ाई, वुमेन फाइटिंग अबाउट यू नो यहाँ पे बैठ के लंच नहीं खा सकते आप, स्मेल आ रही है मुझे आलू पराठे की, दिस इज इंटॉक्सिकेटिंग, फिर क्या हुआ, फिर घमासान लड़ाई और सीट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। एक बार मैंने देखा था कि मतलब एक आदमी बैठा हुआ था तो एक लेडीज आई, उन्होंने बोला कि ये लेडीज सीट है आप उठ जाओ, तो आप लेडीज हो, आप देखने में तो लेडीज नहीं लग रही हो सर, कि आपकी एज तो इतनी ज्यादा नहीं है, आप तो 20-21 क्योंकि आप लेडीज थोड़ी ना हो, कोई सेंस है इस बात की। दो लेडीज के बीच में लड़ाई हो रही थी और एकदम से वो बोलती भी जाती है कि सुबह सुबह मूड खराब कर देते हैं, भजन भी नहीं सुनने देते हैं, कि कुछ आदमी है जैसे मेरे जैसे एज के बंदे हैं वो लेडीज सीट पे बैठे हुए, जो बड़े लोगों का होता है सीनियर सिटीजन का, उनके सीट पे बैठे हुए, अब जैसे वो आ रहे हैं ना वो ना सोने का नाटक करेंगे ताकि सीट ना देना पड़े। जैसे नॉर्मली जैसे कोई लड़का है जैसे वुमेन कंपार्टमेंट में आके बैठ गया, उसको नहीं पता चला कि ऑब्वियसली वुमेन है या जो भी सीन है, वो आके नॉर्मली बैठ गया, एकदम से लड़कियां इतने एटीट्यूड में यूं करके सीधा, आपको दिख नहीं रहा ये लेडीज कंपार्टमेंट है, व्हाट वाज द गाइस रिएक्शन, वो एकदम ऐसे उठ गया मैम सॉरी, वो फिर वो ना बेचारा बाद में जाके यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था देख के। थैंक यू भाई, बढ़िया, थैंक यू यार। अच्छा देखा जाए तो ये सारे के सारे सीन्स इस तरह के बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, तो जो मेट्रो है, होता है ऐसे, मेट्रो हर जगह पे नहीं होता ये इस तरह, मतलब की, नहीं ये किसिंग वाला और ये ज्यादा ओवर हो रहा है यहाँ पे, मतलब उनकी तरफ। लेकिन एक बात बताऊँ, ये इस तरह के ये कुछ फनी थे जिसमें से कुछ लड़ाई शड़ाई हो जाती है सीट पे या किसी और चीज पे, वो फनी है, लेकिन लेकिन ये जो ड्रेसिंग का ड्रेस कोड है या इस तरह की चीजें, ये मैंने एक चीज नोटिस की है दुबई, हालांकि कितना मतलब इस चीज पे नहीं करता रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, लेकिन मेट्रो में वो लोग भी बहुत सख्ती करते हैं खाने का और खाना पीना करना और इस तरह की चीजें और लड़ाई झगड़ा और इस तरह की, वो बहुत सख्ती करते हैं। बट लोगों के ये तो मेरे ख्याल से ये कम स्टोरीज हैं, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी स्टोरीज होनी है दिल्ली मेट्रो के अंदर या मुंबई मेट्रो के अंदर, ज्यादा बड़ी बड़ी स्टोरीज होनी है। खैर आप लोगों के साथ कौन सा वाला सीन हुआ लाजिम से कमेंट के अंदर बताना है हम लोगों को, मतलब मुझे एक वैसे ही हो रहा है कि यार जो लोग देखेंगे वीडियो उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा हुआ होना है, जिसको मतलब जो ज्यादा फनी हो सकता है, तो आप लोगों ने लाजिम से कमेंट्स के अंदर शेयर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।